जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फैसला था कि पीडीएम के साथ देके हुकूमत बनाने का, वो वक्त की ना सिर्फ ज़रूरत था, कौमी मफाद को सामने रख के ये फैसला किया गया। शायद अगर सियासी मफाद सामने रखते तो दूसरा फैसला किया जाता। अभी तो हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ख्वाहिश तो यही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही बने। हम तो दाएं बाएं देखते नहीं हैं, हम तो अवाम की तरफ देखते हैं। बाकी जैसे हमारा निज़ाम है, जैसे हमारा मुल्क है, वैसे ही चलेंगे। कल जो आपकी स्पीच थी जनाब साहब, उसमें आपने ये कहा कि हम दाएं बाएं नहीं देखेंगे, हम अवाम की तरफ देख रहे हैं। अवामी मैंडेट की तो हर जगह पे जमहूरी हुकूमतें बनती हैं तो बात होती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस मुल्क में जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें इस इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के अलावा किसी की हुकूमत बन सकती है। दूसरा इसके साथ ही ये क्वेश्चन है कि आपके सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि पीडीएम से हमारी जो हुकूमत मिलकर बनाई है, ये हमारा एक बड़ी गलती थी। आप इस पे क्या कहेंगे? ये दोनों मेरे क्वेश्चन हैं। थैंक यू। अब पहले जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की आपने सवाल किया है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान की तारीख ऐसा ही है जैसे आपने इशारा किया, लेकिन साथ साथ ये भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की तारीख ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताकत का सरचश्मा अवाम है का नारा का मतलब ही ये रहा है कि हम तो दाएं बाएं देखते नहीं हैं, हम तो अवाम की तरफ देखते हैं। बाकी जैसे हमारा निज़ाम है, जैसे हमारा मुल्क है, वैसे ही चलेंगे। हमारा कोशिश ये होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क में जमहूरियत के ज़रिए बेहतरी लेकर आए। जहाँ तक शाह साहब की स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हो, मेरे ख्याल में हर किसी का अपना राय रखने का तो हक है। मेरा ख्याल में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फैसला था कि पीडीएम के साथ देके हुकूमत बनाने का, वो वक्त की ना सिर्फ ज़रूरत था, कौमी मफाद को सामने रख के ये फैसला किया गया। शायद अगर सियासी मफाद सामने रखते तो दूसरा फैसला किया जाता, और उसी लिहाज से शायद शाह साहब जिक्र कर रहा था। लेकिन जो कौमी मफाद कि जो हमने ये फैसला किया, मेरे ख्याल में 3-4 ऐसे मसाइल थे जो एड्रेस हम करना चाह रहे थे। शायद हमने सारे वो इश्यूज़ एड्रेस नहीं किए, मगर बहरहाल एक तो हमारा एक सियासी और जमहूरी बहरान था, मुआशी बहरान था, खारजा सतह पे एक बहरान पैदा किया गया, पाकिस्तान आइसोलेट किया गया। और अगर मैं सिंध के नज़र से देखता हूँ तो हमारा चाहे वो NICVD हो, NIH हो, उस पर वफाक कब्ज़ा करना चाह रहे थे, मुख्तलिफ इसी किस्म के 18वीं तरीन के ख़िलाफ़ जो करने थे। तो उस नज़र से मेरे ख़्याल में वो वक्त के मुताबिक सही फ़ैसला था। मैं ज़रूर बेहतर ये होता कि जो मुआशी बहरान थे और सियासी बहरान थे, उनको भी हम एड्रेस करते ख्वाजा सतह के बहरान के साथ साथ। छूँ अभी तो हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और हमारा कोशिश ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तादाद ज़्यादा हो। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलबूते पे भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं, और ख्वाहिश तो यही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही बने। यही तरीका है कि हम अवाम दोस्त हुकूमत चलाएं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाकयात यकीन के साथ।